नमस्कार, मैं प्रीति वेद, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवंडी कोर्ट की पुरानी इमारत तोड़कर बनाई गई सिविल कोर्ट। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय की भव्य 3 मंजिला इमारत का उद्घाटन विजयदशमी यानी आज के शुभ दिन पर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की अध्यक्षता में आज यानी 5 अक्टूबर बुधवार को सुबह 11 बजे सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल, राज्य के नगर विकास मंत्री रविंद्र चौहान, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माधव जमादार, शर्मिला देशमुख आदि प्रमुख न्यायाधीश व गणमान्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन थाना जिला मुख्य व सत्र न्यायाधीश इन्होंने आयोजित किया। उच्च न्यायालय मुंबई व भिवंडी बार एसोसिएशन संगठना के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वकील की डिग्री प्राप्त होने के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के रूप में भिवंडी वकील संगठना की ओर से शुरू किया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान, इसका उद्घाटन उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के अवसर पर भारी संख्या में गणमान्य उपस्थित हुए, इसीलिए भिवंडी शहर में यातायात को विभिन्न स्थानों से डाइवर्ट कर दिया गया है। इस बीच शहर में आने वाले वाहनों एसटी बसों को शहर के बाहर रोक दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया था। भिवंडी कोर्ट के बिल्डिंग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ग्राउंड प्लस 3 मंजिला भव्य भवन का निर्माण, महिला व पुरुष अधिवक्ताओं के लिए अलग बार रूम बनाए गए हैं, प्रशासनिक खर्च 38,15,70,000 रुपए की लागत से इस भव्य इमारत का निर्माण किया गया है। इमारत का निर्माण प्रारंभ 19 जून 2018 को किया गया था, 30 अगस्त 2022 को भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ और आज यानी 5 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे स्पीड न्यूज के साथ। आपको हमारी खबरें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।